हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ट्विंस प्रेगनेंसी में कितने सेब खाने चाहिए, सेब खाने से हमें और हमारे बच्चे को कितने फायदे मिलते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेब की बात करें तो सेब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेब को खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सेब में जो है विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। सेब को खाने से हमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट ये है, हमें ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। अगर आप जो है सुबह उठकर सेब खाती हैं, वो भी खाली पेट, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम्स होती है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट है कि प्रेगनेंसी में गैस बनना, कब्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है, और ट्वींस प्रेगनेंसी में तो हमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, वो भी पूरे 9 मंथ। तो अगर आप पूरे 9 मंथ तक सेब का सेवन करती हैं तो आपको इससे काफी हद तक गैस और कब्ज में राहत मिलेगी, और इतना ही नहीं प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी पेट में होने वाली प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिलने वाली है। सेब में जो विटामिन ए पाया जाता है हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम विटामिन ए लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे क्या होता है कि हमारी आंखों की रोशनी तो बढ़ती है, साथ में हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है। ये जो है पाचन क्रिया को भी बहुत मजबूत बनाता है, और इस सेब जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी काफी ज्यादा बढ़ाता है। सिर्फ हमारी क्षमता को ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे बच्चे की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाता है, जिससे कि माँ और बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कई बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। और सेब जो होता है वो अस्थमा की बीमारियों से भी बचाव करता है। सेब में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सेब जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखने में काफी मदद करता है, और सेब में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देते हैं, जिस वजह से हमको इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों को भी सेब बहुत ही ज्यादा फायदा करता है और डायबिटीज को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता है, तो सेब जरूर खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है, कभी हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत खराब हो जाता है, तो सेब बहुत ही ज्यादा मदद करता है स्ट्रेस को दूर करने में। और सेब जो है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चे के दिमागी विकास में, तो आप इसको जरूर लें। सेब खाने से क्या होता है कि हमारे माइंड में जो ब्लड होता है वो उसका सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है, और यही काम बच्चे के साथ भी होता है। दिमागी विकास के साथ साथ जो है बच्चे को दिमागी जो बीमारियां रिलेटेड समस्याएं होती है वो भी काफी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। सेब में जो है भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान शुरू से लेकर के जब से आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया पूरे 9 मंथ तक डेली अगर सेब खाती हैं, तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि दो दो बच्चों को बनने के लिए, उनकी हड्डियां बनने के लिए उन्हें काफी सारी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, जो कि मां के शरीर से खींचना पड़ता है। तो जिस वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, आपके दर्द होना स्टार्ट हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, पैरों में, घुटनों में, तो अगर आप सेब का सेवन करती हैं तो इससे आपको जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी, और सेब खाने से आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मां और बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मां और बच्चा दोनों ही कई संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी हम जो है बीमारियों से लड़ सकते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में होता है, और ये हमारे फेफड़ों को भी काफी ज्यादा मजबूत रखता है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेब हमें कब खाना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि सेब जो है आप सुबह उठ के तुरंत ही खाली पेट खाएं, क्योंकि खाली पेट सेब खाने से बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो अगर आप सुबह उठते ही सेब का सेवन करती हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और आपको जो है बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लगेगी, और आप पूरे दिन जो है एनर्जेटिक फील करेंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें सुबह उठ के ही खाली पेट सेब खाएं। अगर आप सुबह उठ के नहीं खाती हैं, आप दिन में अगर खाती हैं तो आप खाना खाने से पहले खाएं, और अगर खाना खाने के बाद खा रही हैं तो लगभग 2 घंटे बाद खाएं, इससे पहले बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद फलों का सेवन करती हैं तो इससे गैस, कब्ज और एसिड बनने की बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और रात में आप सेब का सेवन बिल्कुल भी और गलती से भी ना करें, इसका रीजन ये है क्योंकि सेब में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो फाइबर को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात के समय हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि रात को सोते समय बिल्कुल भी सेब ना खाएं। आप कोशिश करें कि जब भी खाएं तो आप दिन में खाएं, और अगर आप मॉर्निंग में लेती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहता है।
क्योंकि मॉर्निंग में होता क्या है कि हम सुबह उठते ही तुरंत नाश्ता नहीं बना पाते हैं, तो लगभग अगर आप सुबह उठ जाती हैं 6 बजे तो फिर आपको लगभग 1 से 2 घंटा आराम से लग जाता है। तो अगर आप इस बीच सेब ले लेती हैं, इससे क्या होगा कि आपको सुबह सुबह जो है फिर भूख भी नहीं लगने वाली है और आपका पेट भी काफी अच्छे से भरा रहेगा। सेब में जो है कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी लीवर में जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि हमें सेब खाने के बाद में कौन कौन सी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, सेब खाने के तुरंत बाद आप मूली का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप तुरंत मूली खाती हैं तो इससे आपको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सेब खाने के बाद आप तुरंत दूध का सेवन बिल्कुल ना करें, अगर आप दूध पीती हैं तो लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही पिएं। और सेब खाने के बाद लगभग 2 घंटे तक आप दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें, उसके बाद आप आराम से खा सकती हैं। सेब खाने के बाद आप गलती से भी पानी बिल्कुल ना पिएं, और सेब खाने के तुरंत बाद आप खट्टे फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये सारी चीजें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं हमें ट्विंस प्रेगनेंसी में कम से कम कितने सेब खाने चाहिए। तो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी में कम से कम 2 सेब जरूर खाने चाहिए सुबह उठ के, क्योंकि हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो हमें थोड़ी सी ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, थोड़े से ज्यादा ही पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकती, लेकिन आप 2 सेब जरूर खाएं, वो भी मतलब ठीक साइज के खाएं, ऐसा नहीं बहुत छोटे छोटे ना लें, कम से कम इतना लें जिससे आपका आराम से पेट भर जाए और आप लगभग 1 से 2 घंटे तक अगर कुछ ना खाएं तो कोई भी फर्क ना पड़े। तो आप 2 सेब डेली खाएं, और आप जो है शुरू से लेके जब से आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है 9 मंथ तक अगर आप खाती हैं तो इससे आपको क्या होगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, आपको कैल्शियम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में फलों का सेवन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बहुत सारे फल नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप डेली 2 सेब जरूर खाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।